नमोनमः मित्रान, मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों आज देखिए टीजीटी लेक्चर 5 के अंतर्गत आज आप लोगों को शुकनासोपदेश का अधिखंड पढ़ाने से पहले हम सभी सरस्वती वंदना करेंगे। सरस्वती वंदना करने के बाद उसके बाद क्लास को शुरू करते हैं। मुखे ते तांबूला नयन योगले कदलकला ललाटे काश्मीरम बिलसते गले मौत कलताम सुरत कांची सांचे प्रेथो काटे ताटे हाट कमने भजामे स्वाम गौरे नगपति किशोरी मवेरतम करेण वेना परिवादयन्ते तथा जपन्ते मपरेण माला मराल पृष्ठासनधान्येष्टाम् सरस्वतीं तां शिरसां नमामि नमो नमः प्राणे। आज देखिए मित्रों जो टीजीटी का आपका टॉपिक है शुकनासोपदेश, उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे। अगला का अधिखंड है हमारा, देखिए आपको डिजिटल बोर्ड पर लिखा हुआ है, आलोकयत तावत कल्याण अभिनिवेशो लक्ष्मीम एव प्रथमम एयम सुभट खंग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी ही क्षीर सागरात पारिजात पल्लवेभ्यो रागम इंदु सकलात एकांत वक्रताम उच्चैः स्रवस्य चंचलताम कालकूटान मोहन शक्तिम मदिरायाह मदम कौस्तुभमयेह अतिनयस्थुरियम इत्तेपानि साह सह वासुपरिचय वसात विरह विनोद चिन्हानि गृहीत्वा एव उदगता। ऐसा जो है धारण करके यह जो है निकलती है, कौन निकलती है, कौन निकलती है मित्रों, लक्ष्मी। अब देखिए यहां पर जो है चंद्रपीठ को उपदेश करते हुए सुखदास जी कह रहे हैं, आलोकयत तावत कल्याण अभिनिवेशो, आलोकयत तावत कहा, आलोकयत तावत कल्याण अभिनिवेश, कल्याण अभिनिवेशो कल्याण को चाहने वाले, कल्याण को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले, आलोकयत आप देखेंगे, आप पहले किसको देखेंगे, लक्ष्मीम एव प्रथमम आलोकयत, पहले आप लक्ष्मी को ही देखें, आलोकयत भवान लक्ष्मीम एव प्रथमम, कहा प्रथमम पहले लक्ष्मीम एव लक्ष्मी को ही, यहां पर देखें लक्ष्मीम धन एव मां के बाद में ए आया है, व्यंजन स्वर वर्ण है, इसलिए मित्रों यहां पर सूत्र लगा अजीनम व्यंजनम परेण संयोज्यम, अचहीन व्यंजन को दूसरे स्वर से जोड़ दिया जाता है, अतः मित्रों यहां पर क्या हो गया अधीनम व्यंजनम परेण से लक्ष्मीम एव, पहले आप लक्ष्मी को ही आलोकयत देखें, पहले आप लक्ष्मी को ही देखें, लक्ष्मी का क्या प्रभाव होता है। इयम ही शोभत खड्ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी ही, कहा इयम लक्ष्मी, यह लक्ष्मी शोभक, शोभक माने होता है मित्रों योद्धा ही माने, क्योंकि यह लक्ष्मी
सुभद्र माने महान योद्धा, खंग माने तलवार, कहा जो है निपुण योद्धाओं के खंग मंडल, मंडल माने समूह, तलवार के समूह, तलवारों के समूह रूपी कमल वन, उत्पल माने कमल, कमल वन में विभ्रम माने भ्रमण करते हुए, कमल वन में विचरण करते हुए, क्या करती है कमल वन में विचरण करती हुई भ्रमरी, विचरण करती हुई भ्रमरी की भांति लक्ष्मी क्षीर सागरात, कहा यह लक्ष्मी क्षीर सागरात, क्षीर सागर से समुद्र से मानो यह लक्ष्मी जो है क्या करती है, पारिजात पल्लवेभ्यो रागम, पारिजात पल्लवेभ्यो रागम, कहा पारिजात के नए पत्तों से मानो यह लक्ष्मी ने क्या ग्रहण किया, राग ग्रहण किया, राग ग्रहण किया, प्रेम ग्रहण किया, मानो यह लक्ष्मी कहा हे राजन, हे मित्र, हे पुत्र चंद्रापीड, पहले आप जो है प्रथमम लक्ष्मी एवं आलोकेर, आप कल्याण है अपने विश्व, कल्याण की प्राप्त कर, कल्याण को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले हे चंद्रापीठ, पहले आप लक्ष्मी को ही देखें कि महान योद्धाओं के खंग मंडल, खंग माने तलवार, मंडल माने समूह, तलवारों के समूह रूपी उत्पल वन विभ्रम, कमल रूपी वन में विचरण करने वाली भ्रमरी की भांत लक्ष्मी जी क्षीर सागरात, क्षीर सागरात माने समुद्र से, सागरात में पंचमी विभक्ति है तो क्षीर सागरात, क्षीर सागर से क्या किया, पारिजात पल्लव्य, क्षीर सागर से उत्पन्न होकर के मानो यह लक्ष्मी पारिजात के नए पत्तों से राग को ग्रहण करती, पारिजात पल्लवेभ्यो रागम, पारिजात पल्लवेभ्यो रागम, पारिजात के पल्लव से पत्तों से मानो राग को, लालिमा को, अनुराग को, प्रेम को यह ग्रहण करती। इंद्र सकुलात, इंदु सकलात एकांत कताम, चंद्रखंड से अत्यंत, इंदु सकलात एकांत वक्रताम, अब चंद्रखंड से अत्यंत कुटिलता को, वक्रता माने टेढ़ापन, लक्ष्मी जिसके पास हो जाती है वो सीधा चल ही नहीं पाता है, तो ये देखिए, अरे प्रभुता पाई का हे मदनाही, जैसा कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने भी कहा है, प्रभुता पाई का हे मदनाही, प्रभुता माने ऐश्वर्य वैभव संपत्ति धन, इनके प्राप्त होने पर कौन व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मदवान नहीं हो जाता है, मान से युक्त नहीं हो जाता है। इसलिए मित्रों इस लक्ष्मी के प्राप्त होने पर इंदु सकलात, कहा मानो जैसे इंदु माने चंद्रमा, इंदु सकलात चंद्रखंड से मानो इन्होंने क्या ग्रहण किया है, चंद्रमा के टुकड़ों से मानो इन्होंने कुटिलता को धारण किया है, कुटिलता को धारण किया, उच्च स्रवस्ता, उच्च स्रवा, उच्च स्रवा क्या है, उच्च स्रवा मित्रों जो है यह इंद्र के घोड़े का नाम है, उच्च स्रवा, तो मानो इंद्र के घोड़े से उच्च ही स्रवसा, उच्च ही स्रवसा, कहा जो है उच्च ही उन्नते श्रवणी करण यस्य स उच्च स्रवा, जिसके जो है ऊपर उठे हुए कान और सवसी करण यस्य उच्च स्रवसा, जिनके कान ऊपर की ओर उठे हुए हैं वह है उच्च स्रवा मित्रों, तो उच्च स्रवा घोड़ा जो है किसका है, इंद्र का है, उच्च स्रवसा चंचल राम, उच्च स्रवा घोड़े से मानो लक्ष्मी ने क्या ग्रहण किया है, चंचलता को, काल कूटान मोहन शक्ति, कालकूट मदिरा से मानो जो है मोहन शक्ति को इन्होंने धारण किया, कालकूट से मोहन शक्ति, मूर्छित करने वाली शक्ति या दूसरों को वशीकरण करने वाली, कालकूट जैसे मदिरा होती है
वह दूसरों को अपने बस में कर लेती है मित्रों, उसी प्रकार से यह लक्ष्मी दूसरों को अपने बस में कर लिया करती है। अब इसके बाद मित्रों अगला है हमारा मदिराया मदम, और मदिरा से इन्होंने क्या ग्रहण किया है, मद्य से इन्होंने निश्चित रूप से मदिरा से मादकता, मद को फैलाने वाली मादकता को धारण किया है। और कौस्तुह मणे है अतिनैश्वर्यम, कौस्तुह मणि से मानो अत्यंत कठोरता रूपी चिन्ह को धारण किया है। इते तानि सह, इन सभी गुणों के साथ वास परिचय वसात विरह विनोद चिन्हानि गृहीत एव उद्गताः, कहा वास परिचय वसात, वास परिचय वसात माने परिचय दे बस, मानो जो एक साथ निवास करने के कारण, एक साथ रहने के कारण परिचय बस वियोग दूर करने वाले थे, ऐसे लेकर मानो विनोद चिन्हानि, विनोद चिन्हों को प्रकट करते हुए, अपने प्रसन्नता के चिन्हों को प्रकट करते हुए, कहा क्षीर सागरात, मानो क्षीर सागर से उदगता। अब देखिए मित्रों यहां पर क्षीर सागरात, क्षीर सागर से उदगता, यहां क्षीर सागर है, यहां से मानो उत्पन्न हुई है। कहा है पुत्र चंद्रापीठ, पहले आप जो है लक्ष्मी को ही देख लो, लक्ष्मी जिसके पास हो जाती है वह मद से युक्त होना स्वभावतः है, तो पहले आप लक्ष्मी को ही देखें। यह जो है महान योद्धाओं के तलवार के द्वारा, तलवार रूपी समूह के उत्पल वन में विचरण करते हुए भ्रमरी देवान, यह पारिजात पल्लवों से राग को ग्रहण किया, इंदु सकलात और चंद्रखंड से मानो जो है टेढ़े पल को या धारण किया, उच्च स्रवसह उच्च स्रव घोड़े से चंचलता को धारण किया, कालकूट, कालकूट आपका एक विष होता है, जहर होता है, कालकूट विष से मानो जो है सम्मोहन शक्ति को धारण किया, कौन लक्ष्मी मदिरा या मदम, और मानो मदिरा से जो है क्या धारण किया, मद को, घमंड को, या किसी को पागल बना देने वाला जो गुण होता है लक्ष्मी में, वह उन्होंने कहां से ग्रहण किया, मदिरा से। कौस्तुभ मणि है नैष्ठुर्यम, कौस्तुभ मणि यह किसके लिए आई है, कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु का यह जो है मणि है, तो भगवान विष्णु के कौस्तुभ मणि से मानो इन्होंने क्या ग्रहण किया, नैष्ठुर्यम कठोरता को धारण किया। इत्ते तानि सह, इन सभी गुणों के साथ, काय नैश्वर्यता है, राग है, मद शक्ति है, और जो है टेढ़ापन है, आज जो एते सर्वे गुणाः सन्ति, ये सभी गुण विद्यमान है, मानो वास परिचय, वास परिचय विरह विरोध चिन्हान, साथ में निवास करने के परिचय के कारण मानो विनोद चिन्हन अपने भगवान विष्णु को भी चलाने के लिए, उनको जो है मानो एक प्रकार से व्यंग साधते हुए उनके ऊपर विनोद चिन्हन अपने जो है प्रसन्नता के चिन्हों को प्रकट करती हुई, मानो इयम लक्ष्मी, इयम लक्ष्मी गृहित्वा, इन सभी गुणों को इयम लक्ष्मी गृहित्वा, यह लक्ष्मी ग्रहण करके क्षीर सागरात उद्गता, मानो क्षीर सागर से उत्पन्न हुई है। मित्रों यहां पर बताया गया, सुखनाथ जी चंद्रापीठ को उपदेश देते हुए बता रहे हैं कि हे पुत्र चंद्रापीठ, क्योंकि तुम राजा के भीरल के हो, युवा अवस्था से भी युक्त हो, और आमान शक्तित्वम च युक्ता, अलौकिक शक्तियों से भी युक्त हो, तुम्हारे पास दिव्य शक्तियां भी हैं, सारे गुण हैं, लेकिन कुछ ऐसे राजा के पास गुण हो जाया करते हैं जिसके कारण वह सही मार्ग पर चलते हुए भी मार्ग से भटक जाया करते हैं। उसमें पहला गुण है लक्ष्मी का गुण, लक्ष्मी गुण के पास हो जाती है तो वो टेढ़े चलने लगते हैं, जैसे लक्ष्मी ने टेढ़ापन कहां से ग्रहण किया, तो कहा गया इंदु सकलात, जैसे चंद्रमा देखिए तो टेढ़ा होता है, प्रतिपदा के दिन कुछ, द्वितीया के दिन कुछ, तृतीया के दिन कुछ, इस प्रकार से टेढ़ा होते हुए पूर्णिमा को पूर्ण हो गया, तो ये टेढ़ापन जो वक्रता धारण किया है कहां से,
इंद्र सकलात कहा जो है चंद्र खंड से धारण किया है, चंद्रमा के टुकड़ों से मानो धारण किया। उच्च स्रवसह चंचलताम, जो चंचलता का गुण लक्ष्मी में होता है, लक्ष्मी एक जगह स्थिर नहीं रहती है। आप सोचें कि 100 की नोट जो है ये गांधी जी वाली मैं अपने पास रखे रहूं, नई नोट, असंभव है। लक्ष्मी एक जगह कभी स्थिर नहीं रह सकती है। और मित्रों ये आपको बताना चाहूंगा, लक्ष्मी और सरस्वती का परस्पर विरोध होता है, दोनों एक जगह नहीं रह पाती है। तो यहां बता रहे हैं मित्रों कि ये सभी गुण धारण करते हुए मानो लक्ष्मी क्षीर सागरा उद्गता, क्षीर सागर से मानो उत्पन्न हुई है, समुद्र से मानो उत्पन्न हुई है। इसके बाद मित्रों फिर बता रहे हैं चंद्रापीठ को आगे उपदेश देते हुए सुनास जी कह रहे हैं, ना ही एवं विधम अपरम, एवं विधम अपरम अपरिचितम ना है, इस प्रकार से इनसे अपरिचित कोई दूसरा नहीं है। जगत किंचित, इनसे अपरिचित कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस संसार में इनको ना मालूम है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु अपरिचित नहीं है जो कि इस लक्ष्मी के विषय में न जानता हो। दुनिया का कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो लक्ष्मी के विषय में न जानता हो। ना ही एवं विधम अपरम, इस प्रकार से अपरम माने दूसरा ऐसा कोई नहीं है, अपरिचित अपरिचित ऐसा कोई दूसरा अपरिचित नहीं है। यह जगत इस संसार में किंचिदम अस्ति, कोई ऐसा नहीं है जो इस लक्ष्मी से अपरिचित हो। आप क्यों अपरिचित नहीं है, देखिए इसका गुण क्या होता है। जथा इयम अनार्या, यह लक्ष्मी इतनी जो है अनार्या है, इतना नीच स्वभाव वाली है। आर्य माने मित्रों श्रेष्ठ होता है, अनार्या माने अश्रेष्ठा या नीच। यथा इयम अनार्या लब्धापि खल दुखेन परिपाल्यते, दृढ़ गुण पाश संदान कृत संदान निष्पन्दे कृतापि नश्यति उद्दाम दर्प भद सहस्रो लसित लसिता आसिता पंजर विधृताति अपक्रामति मद जल दुर्दिनांध कार गज घन घंटा परिपालिता पीपलायति प्रपलायति न परिचयम रक्षति न अभिजनम इच्छते न रूपम आलोकयते न कुलक्रमम अनुवर्तते न शीलम पश्यते न वैदग्धम गणयते न सुतम आचरणयते न धर्मम अनुरुध्यते न त्यागम अद्रियते न विशेषज्ञतां विचारयते न आचारम पालयते न असत्य अवबुध्यते न सत्यम अवबुध्यते न लक्षणम प्रमाणी करोति और ना तो यह लक्षणों को प्रमाण क्रिया करती। तो मित्रों देखिए इसका अर्थ आप देखें, इस संसार में कोई ऐसी कोई वस्तु अपरिचित नहीं है जैसी कि यह नीच स्वभाव वाली लक्ष्मी है। अगर मित्रों देखिए आपको कहीं भी रास्ते में अगर किसी से मुलाकात हो गई, अगर वह व्यक्ति आपका कल्याण कर दिया तो आप कभी ना कभी मुलाकात होगी तो आप उसको अवश्य याद करें। लेकिन यह नीच स्वभाव वाली लक्ष्मी इतनी अनार्या है, इतनी नीच स्वभाव की है कि यह जो है परिचय की उपेक्षा करने वाली हुआ करती, परिचय का सम्मान करने वाली नहीं होती। यथा यम अनार्या, जैसे कि यह लक्ष्मी को आप देखें क्या होती है, लब्धा अपि प्राप्त होते हुए भी, जैसा कि यह लक्ष्मी प्राप्त होते हुए भी, लब्धा अपि प्राप्त होकर के भी, खल दुखेन परिपाल्यते, निश्चित रूप से बड़े कष्ट से पालन करना होता है। देखिए रात भर लोग जो है धन की लोलुपता में, कोई हमारे धन को चुरा न ले जाए, इसलिए रात भर जगते रहते हैं। लेकिन धैर्यवान लोग जो होते हैं मित्रों वो बहुत ही विलक्षण प्रतिभा वाले होते हैं। तो यह लक्ष्मी का पहला गुण है, क्या गुण है, यह इसको पा लेने पर भी बड़े कष्ट के द्वारा इसका परिपालन किया जाता
जो व्यक्ति इसको प्राप्त भी लब्धा अपि प्राप्त होते हुए भी खल दुखे खल माने निश्चय ही दुखे माने दुख पूर्वक परिपाल्यते पालन की जाती है सुरक्षित रखी जाती है। दृढ़ गुण पास दृढ़ माने मजबूर गुण रूपी बंधन दृढ़ गुण पास संदार माने संदूक होता है बक्सा निष्पंदी करता नश्यत कहा बड़े मजबूती के साथ दृढ़ गुण पास रूपी जाल के बंधन से निश्चल कर देने पर दृढ़ माने मजबूर मजबूत गुण रूपी पास माने बंधन के द्वारा संदान निष्पंदी करता संदान माने चाहे बक्से में ही क्यों न रख दिया जाए संदान निष्पंदी कदापि संदूक आदि में गुण पास रूपी बंधन से निश्चल कर देने पर भी नश्यति बिल्कुल जकड़ देने पर भी यह नश्यति नष्ट हो जाती है चली जाती कितना भी बक्से में इनको रखे रहिए चार तालों के बीच में तिजोरी में रख दो दस कोठरी के अंदर लेकिन जो है लक्ष्मी का जो लोलुप होगा वह लक्ष्मी को खोजते हुए लक्ष्मी के पास पहुंच जाता उद्दाम माने भयंकर दर्प माने घमंड भट माने योद्धा सहस्त्र माने हजार उल्लसिता सित असिलता कहा हजार घमंडी योद्धाओं के प्रचंड योद्धाओं के घमंड से युक्त होते हुए भी उनके आसीलता कहा हजार योद्धाओं के कैसे योद्धा है उद्दाम दर्प भट्ट प्रचंड जो है घमंड वाले घमंड किसके पास होता है जैसे कि मैंने बताया था आपको बसंत का लक्षण जब चाह के लगे मोर तो समझो बसंत है जब मह के लगे आंगन तो समझो बसंत है जब खेत में फूले सरसों तो समझो बसंत है जब बहकने लगे मन तो समझो बसंत है जब हवा चले शीतल तो समझो बसंत है जब दिखे जोड़ी जोड़ा तो समझो बसंत है जब मिले जोड़ी जोड़ा तो समझो बसंत है जब दिखे चकई चकवा तो समझो बसंत है उसी प्रकार से मित्रों जब दिखे मन में घमंड तो समझो मदवान है तो समझो कि उसके पास लक्ष्मी है रूपी मद आ गया है तो फिर क्या कहा कहा कि हजार योद्धाओं के द्वारा असीलता माने तलवार तलवार के पंजर माने पिंजरे में विद्धात माने बांधी जाती हुई भी अपक्का मत चली जाती हजार घमंडी योद्धाओं के तलवार से बनाए गए पिंजरे में रखी जाती हुई भी यह लक्ष्मी चली जाती है मद जल दुर्दिनांधकार गज घन घटा परिपालिता प्रपलायते कहा जो है और कैसी होती है यह लक्ष्मी मित्रों कहा गज मद जल रूप मेघा छन्न दिन के कारण अंधकार उत्पन्न करने वाले गज रूपी मद जल के कारण मद जल दुर्दिनांग मद रूपी जल के कारण दुर्दिन खराब दिन आ जाने पर कहा मेघा मद रूपी जल के द्वारा मेघा छन्न दिन के कारण जैसे बादल जो है आकाश में घेर ले तो दुर्दिन अंधकार दुर्दिन में खराब दिन होने पर मेघों के घिर जाने पर जैसे अंधकार हो जाता है वैसे ही मद जल से युक्त जो हाथी है ऐसे हाथी के समान गज रूपी मेघ के समूह से रोके जाने पर भी यह लक्ष्मी परिपालिता अपि परिपालित किए जाने पर भी रोके जाने पर भी प्रपलायते यह लक्ष्मी चली जाती यह लक्ष्मी चली जाती है ना परिचय रक्षा ना यह परिचय की रक्षा करती है ना अभिजनम इच्छते अभिजनम श्रेष्ठ जनों को ना तो ध्यान देती है ना रूपम आलोकयते
ना तो रूप को देखती है कि नहीं ये बड़ा सुंदरवान है तो इसके पास ही हम की रहे, ऐसी भी लक्ष्मी जो है सौंदर्य को नहीं देखती है, ना वंश परंपरा, ना कुल क्रमम, ना तो कुल के, कुल माने वंश, वंश के अनुक्रम को देखती है, ना तो शीलम दृश्यते, ना तो शीलता को देखती है, ना यह वंश परंपरा का अनुगमन कर, ना तो सच्चिता को देखती है, ना वैदग्धम गणयति, और ना ही वैदग्धम पांडित्य का आदर करती है, ना श्रुतम आकर्णयति, ना तो शास्त्रों को सुनती है, ना धर्मम अनुरुध्यति, और ना तो धर्म के द्वारा धर्म को मानती है, ना त्यागम आद्रियते, ना त्याग को आदर देती है, ना विशेषताम विशेष संज्ञताम विचारयत, और ना तो विशेषता पर विचार करती है, ना तो विशेषता पर विचार करती है, ना आचारम परिपाल्यते, ना जो है अच्छे आचरण व्यवहार का पालन करती है, ना आचारम परिपाल्यते, ना तो अच्छे आचरण का परिपालन करती है, ना सत्यम अवबुध्यते, ना सत्यम अवबुध्यते, ना तो सत्य को मानती है, ना लक्षणम प्रमाणी करोत, ना लक्षण प्रमाणी करोत, और ना तो ही यह जो है लक्षण को प्रमाणित करती है, अपना लक्षण परिचय ही नहीं देती है, तो देखिए मैं तो यह क्या है, संदान निष्पंदी कृतापि नश्यत, संदान ऊपर देखिए थोड़ा सा, हाँ यथा यम अनार्या, जैसा कि यह लक्ष्मी लब्धा अपि प्राप्त होने पर भी खलवाने निश्चय ही दुखेर परिपालते, दुख पूर्वक जो है पालन की जाती है, अगर जिसके पास बहुत लक्ष्मी हो भी जाती है मित्रों, बड़े कठिनाई से उसका पालन करना पड़ता है उसको, दृढ़ गुण भाष संदान स्पंदी कृतापि, मजबूत जो है संदान माने पेटी आदि रख देने पर भी, मजबूती पूर्वक जो है गुण रूपी पास माने बंधन के बांधने पर भी, निस्पंदी कृतापि बंधन से बांध देने पर भी नश्यत नष्ट होकर चली जाती है, उदाम माने भयंकर, दर्प माने घमंड, भयंकर घमंड से युक्त जो महान योद्धा है, ऐसे हजार योद्धाओं के आशीलता, आशी माने तलवार, तलवार के पंजर विद्धता पिंजरे में बधे होते हुए भी लता अपक्रामक, जैसे लताएं जो है कोमल होकर के चली जाती हूं, वैसे ही लताएं जैसे कोमल हो जाती, वैसे ही पिंजरा मानो कोमल हो जाता है और उससे वो निकल जाती, हजार योद्धाओं के तलवार से बने हुए पिंजरे में रखे जाने पर भी यह लक्ष्मी चली जाती है। मद जल दुर्दिनान, जैसे मद रूपी जल को बहाता हुआ कोई हाथी, गज घन घटा, जैसे मदमैला हाथी जो है देखता नहीं है, वह इधर उधर अपने मस्त धुन में जो है चलता रहता है डाल में, उसी प्रकार से दुर्दिनान, दुर्दिन के यहां पर खराब दिन का मतलब यह है कि मेघ आदि जब बदल वगैरह आसमान में आ जाते हैं तो दिन में भी अंधकार हो जाता है, ऐसे घन घटा, ऐसे बादलों की घटा से के द्वारा परिपालिता भी सुरक्षित की जाती हुई भी प्रलाय प्रपलायते चली जाती है, ना परिचयम रक्षा थी, या लक्ष्मी ना तो परिचय की रक्षा करती है, ना अभिजनम एत्यते, ना तो उच्च कुल को देखती है, ना रूपम आलोकयते, ना तो रूप को देखती है, ना कुल क्रमम, ना तो वंश के क्रम का, वंशानुगत जैसे हमारा क्रम है उच्च कुल का भी है अनुवर्तन नहीं करती है, ना शील पश्चिमशीलता को भी नहीं देखती है, ना वैदग्धम गणयत, ना जो है लोगों के तेज को देखती है, ना श्रुतम आकर्णयत, वेद पुराण की बातों को भी यह नहीं मानती है, ना धर्मम अनुरुद्धते, ना तो धर्म के द्वारा रोका जाता है, ना त्यागम याद्रियते, इसके द्वारा ना तो त्यागम याद्रियते, त्याग का भी आदर नहीं किया जाता है, ना विशेषज्ञताम विचारयत, विशेष विशेषज्ञताओं को या विशेषताओं को भी यह विचार नहीं करती, पर विचार नहीं करती है, ना आचारम पर आचार विचार पर भी यह ध्यान नहीं देती है,
न सत्यम अवबुध्यते, न तो सत्य का यह ध्यान देती है, न लक्षणम प्रमाणीकरत, न तो किसी के लक्षण को व्यक्त करती है। अर्थात इयम अनार्या लक्ष्मी, यह दुष्ट लक्ष्मी इतनी दुष्ट है कि अपरिचितम, यह इतना अपरिचित हो जाएगी संसार में, न एवं विधि अपरम, इस प्रकार का अपरम कोई दूसरा नहीं हो सकता। जितनी अनार्या यह लक्ष्मी है कि जिसके साथ रहती है उसको भी नहीं छोड़ती है, उसके पास होते हुए भी उसको अत्यंत कष्ट देती है। इस प्रकार से मित्रों, ये आज आपका TGT का पांचवा लेक्चर माने सुनासोपदेश का जो है 7-8 खंड आपका हो गया, 7-8 गद्यांश। तो मित्रों, इसमें अगर कोई भी आपको त्रुटि लगती है या कोई बात नहीं समझ में आती है तो तुरंत आप कमेंट में इस नंबर पर आप तुरंत लिखें। नंबर है देखिए, बोला नंबर मैं बता दे रहा हूं मित्रों, इस नंबर पर आप कोई भी कमेंट होता है तो लिख सकते हैं। और मित्रों, ऑनलाइन क्लास आपकी कई दिन से शुरू है, बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले लिए हैं अभी, फिर भी कुछ हमारे पास साहब फोन किए थे कि गुरुजी क्या कैसे जो है एडमिशन लेना है, तो उसके लिए मित्रों मैं आपको नंबर दे दे रहा हूं, इस नंबर पर आप संपर्क करके और एडमिशन ले तुरंत एडमिशन ले करके और आप अपनी क्लास जो है शुरू कर दें। आज की क्लास मित्रों यही से ही रहेगी, नंबर मैं बता रहा हूं आपको, देखिए नंबर है 8, देखिए मित्रों लिख दे रहा हूं 8299 3100097। इस नंबर पर मित्रों आप संपर्क करके एडमिशन की पूरी प्रक्रिया और एडमिशन में कितनी शुल्क है, क्या कहां कैसे है, आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि कई मित्र गण हमारे पास फोन किए कि सर कितनी फीस है, क्या कैसे एडमिशन लेना है, तो इस नंबर पर आप संपर्क करके तुरंत आप एडमिशन को प्राप्त कर सकते हैं। तुरंत अपने मित्रों को भी बताइए और स्वयं जो है एडमिशन लेकर के, और TGT की बस वैकेंसी आने ही वाली है, इस बार बहुत जबरदस्त वैकेंसी आएगी मित्रों, तो आप तैयारी में लग जाइए, इधर उधर आप भ्रमित ना हो। चंद्रा संस्थान जैसे आप टेट सुपर टेट और जो है सिटेट के मामले में हम सभी विशेष रूप से अपना योगदान पूरे भारतवर्ष में जो है चंद्रा संस्थान अपना नाम कमाया है, उसी प्रकार से हम लोग, हमारे यहाँ इतने विद्वान हैं, इतने सब प्रकृष्ट श्रेष्ठ कोटि के विद्वान हैं कि उनकी प्रभा केवल टेट सुपर टेट में ही नहीं है बल्कि TGT PGT नेट ज्यादा लेवल में भी। तो इसलिए हम लोगों ने TGT विशेष क्लासेस पर शुरू किया है, तो आप मित्रों अपने मित्रों को भी बताएं, स्वयं जो है विशेष रूप से पढ़ने क्लास ग्रहण करें। नमो नमः, धन्यवाद।